हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद बी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। हमें यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई है, बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑलमोस्ट 2 है हमारी, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इन्हें हमें इनके रूट्स निकालने हैं, किसे, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फैक्टराइजेशन मेथड वही हम इसके दो दो पे अपनाएंगे और फिर उससे एक्स और वाई जो भी वेरिएबल हमारा उसके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब माइनस 3x माइनस 10 इंटू 1 माइनस 10, ठीक है। अब दो ऐसे नंबर जिनकी मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 10 आई, एंड मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, लेट्स सपोज ऐड, तो वो हमारा मेरा है माइनस 3। सो ऐसे दो नंबर माइनस 5 और 2 यही है, तो माइनस 3x को मैं माइनस 5x और प्लस 2x ऐसे लिख सकता हूं। तो ये है x स्क्वायर, और माइनस 3x को लिखता हूं मैं 5 माइनस 5x प्लस 2x एंड देन माइनस 10। ये हमारा रफ वर्क है, जो भी है इक्वल्स टू में 0 पुट करें तो कर लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, एक्स कॉमन आ गया इनटू हमारा बचा क्या, एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो एक्स माइनस 5, बिकॉज एक्स इस एक्स से कैंसिल, यहाँ पे बचा प्लस 2 इनटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0, बिकॉज कॉमन फैक्टर में ऑलरेडी निकालने आते हैं। सो ये आएगा एक्स प्लस 2 और ये आएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 5। सो एक x की वैल्यू हो गई माइनस 2 एंड देन एक 5, ठीक है। सो ऐसे हमें सभी पार्ट्स के आंसर निकालने हैं। ये था फर्स्ट पार्ट का आंसर, अब सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब दो ऐसे नंबर जिनके अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सो आए माइनस 12 एंड जिनका ऐड करूं तो आए वो 3, सॉरी 1, बिकॉज यहाँ पे x 1 है। सो ऐसे दो नंबर मैं 4 और माइनस 3 ले सकता हूँ, बिकॉज 4 और माइनस 3 ऐसे लेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी बनाएगा एंड ये माइनस 12। सो इसे मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर प्लस x को मैं प्लस 4x माइनस 3x ऐसे लिख सकता हूँ एंड देन माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये रफ वर्क है, यहाँ से वैल्यू 2x हमारे कॉमन आ गई, अंदर बचा x प्लस 2, बिकॉज x से x तो कैंसिल हो जाएगा एंड देन 2 से 4 हमारे आएगा 2, यहाँ से माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, बिकॉज नेगेटिव और नेगेटिव जो मिलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा और 3 से 6 को कैंसिल करेंगे सो 2, x प्लस 2 और x प्लस 2 ये आ गया 2x माइनस 3 और इधर आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो ये तो आ जाता है x माइनस 2, ये आएगा x इज इक्वल टू से इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो आगे जाके डिवाइड, सो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। सेकेंड पार्ट भी क्लियर हो गया, सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट सभी एक जैसे हैं, बस इनमें हमारी वैल्यूज थोड़ी सी डिफिकल्ट अलग से आती है, डिफरेंट आएगी, डिफिकल्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0। अभी रूट को देख के आपको पजल नहीं होना है, बिकॉज देखिए इसकी जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 रूट 2 इंटू 2, 5 रूट 2 इंटू 2 मीन्स पहले रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब रूट 2 स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा क्या 2, और 5 इंटू 2 आएगा 10, मतलब दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करूँ तो 10 और ऐड करो तो मेरा आए 7। अब ऐसे दो नंबर ये तो बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर नहीं है, 5 और 2 5 इंटू 2 आ गया 10, 5 प्लस 2 7, सो प्लस 7 एक्स को मैं लिख सकता हूँ 5 एक्स प्लस 2 एक्स, सो ये आएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से x हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा √2x प्लस 5। ठीक है, अब यहां पे हमारा कॉमन आ गया, देखिए 2x और 5√2। ठीक है, 5√2 इसका मैं स्क्वायर करता हूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तब 2 आ जाएगा। ऐसा आपको नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहां से इसे दोबारा से लिख देता हूं मैं, यहाँ पे हमारा आ गया √2x² प्लस 7x सॉरी प्लस 5x प्लस 2x एंड प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अभी यहाँ पे हमारा x को मना गया तो अंदर क्या बचा √2 प्लस 5 सॉरी √2x प्लस 5 ये हमारा बचा। यहाँ से मैं √2 को मन लेती, ठीक है, बिकॉज √2 × √2 क्या था हमारा 2। अब मैं इसे लिख सकता हूँ √2 × √2 ऐसे लिख सकता हूँ, एक √2 यहाँ पे एक √2 यहाँ पे, √2 को बना गया, अंदर क्या बचा √2x, बिकॉज इस दो फॉर्म ने एक ये और एक ये इनमें दो में बांट लिया था तो एक तो बचा है √2x प्लस 5 यहाँ से बचा इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो x प्लस √2 x प्लस √2 और √2x प्लस 5 ये तो हमारी 0 के इक्वल आ गई। यहाँ से x की वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है, ये नेगेटिव माइनस 2 आ जाती है और ये इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और ये डिवाइड से सॉरी मल्टीप्लाई से डिवाइड। ठीक है, सो एक वैल्यू आ गई माइनस √2 और एक वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन √2। ठीक है, सो ये था थर्ड पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपको जो इक्वेशन है वो सही मैनर में नहीं दी गई। ठीक है, सो आपको सबसे पहले 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0 इसे सही मैनर में लेके आना। मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, क्या कौन में अब एलसीएम ले दिए आ गया 8, फिर यह आ गया 16x² माइनस 8x एंड प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 8 इधर डिवाइड में इधर 0 के मल्टीप्लाई में आएगा तो मिट जाएगा, हमारी इक्वेशन क्या आ गई 16x² माइनस 8x प्लस 4। ठीक है, आ गई। अब देखिए माइनस 8 16 होता 16, अब दो ऐसे नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो आए 16 एंड ऐड करूं तो आए माइनस 8, ऐसे कौन सी है -4 और -4। ठीक है, सो 16x² माइनस 8x को लिख सकता हूँ माइनस 4x माइनस 4x सो प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। अब 16x² और 4x इनमें से 4x हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 4x माइनस 1 और यहाँ से हमारा कॉमन आ गया 1 और अंदर बचा सॉरी माइनस 1 बिकॉज ये नेगेटिव है सो 4x और माइनस 1 भी बचा बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बचा। अब 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इनसे तो x की वैल्यू एक ही आनी है, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, सो ये फोर्थ पार्ट था। अब बचता है लास्ट फिफ्थ पार्ट। ठीक है, सो वैसे तो आप इसे खुद से निकाल के ट्राई कर सकते हो बट मैं इसे करा दूँ 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब 100 × 1 100 तो मतलब दो ऐसे नंबर 100 मल्टीप्लाई आए और दो ऐसे नंबर जिनका ऐड आए माइनस 20 माइनस 10 और माइनस 10 सिंपल है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1, यहाँ से 10x आ गई, अंदर क्या बचा 10x माइनस 1 या गया माइनस 1 इंटू 10x माइनस 1 सेम उसी तरह 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 हमारे दो ये वैल्यूज आ गई इक्वल्स टू 0 कर देंगे हम। x की वैल्यू आ गई 1/10 यहाँ भी x की वैल्यू आ गई 1/10
सो पांच पार्ट्स थे, हमने पांचों में रूट्स निकाल लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।